गाइस फाइनली हम लोगों ने केक ले लिया और देख रहे हैं पिकम भैया केक लेकर के खा लीजिए क्या पिकम भैया। हम लोग चॉकलेट केक ले लिए हैं, अब चलते हैं घर श्रुति को, वहाँ पर हम लोग अच्छे से फेयरवेल सेलिब्रेशन करेंगे आज। हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी फेयरवेल टू मी, हैप्पी फेयरवेल टू मी, हैप्पी फेयरवेल टू मी, हैप्पी फेयरवेल टू मी। रहेगी कि नहीं रहेगी तो सही बात है, तो 2-3 महीना पहले ही एडवांस में हम लोग बना ले। हां पहला जो फेयरवेल जिन्होंने दिया है मुझे, मैं उसको केक खिलाती हूं। केक अच्छा है, केक इज वेरी टेस्टी। पापा ऑलरेडी यहाँ पे पूरा धुआं धुआं कर दिए हैं। क्यों पापा पूरा धुआं धुआं कर दिए हैं? आग लग चुका है यहाँ पे है कि चलिए यहाँ पे बहुत धुआं लग रहा है, जब तक प्रॉपर मतलब आग नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ आप देख रहे होंगे यहाँ पे धुआं ही लगा हुआ है, तो जब तक प्रॉपर फायर नहीं होता है तब तक चलिए अंदर। मम्मी लोग लेटे बना रही है, मतलब डो भर रही है, आटा के डो पे अभी स्टफिंग भर रही है, बहुत ज्यादा धुआं आ रहा है। सो चलिए चलते हैं अंदर के साइड में, लेट्स गो। हे गाइस, तो बोलो भैया लोग ना बाहर का थोड़ा काम कर रहे हैं, तो इस बीच में मैंने थोड़ा वीडियो टेक ओवर कर लिया है, क्योंकि अंदर के लोगों से भी तो बात करना जरूरी है ना। तो पहले मम्मी से बात करते हैं जो बना रहे हैं, दो लोग हैं तो मम्मी से पहले बात करते हैं कि मम्मी बताओ कि लिट्टी का हिस्ट्री क्या है। लिट्टी का हिस्ट्री यही है कि हम लोग का बिहार का फेमस डिश है लिट्टी चोखा। अच्छा, ये हर एक बिहारी जानते हैं, तो झारखंड का भी है, यूपी का भी है, लेकिन हम लोग का बिहार का ज्यादा है। अच्छा, इसके अंदर में स्टफिंग में सत्तू रहता है, सत्तू मसाला सारा मसाला वसाला मतलब अचार, नींबू, हरा मिर्चा, लहसुन, अदरक सबका हम लोग उसमें मिला करके इसका स्टफिंग करते हैं और उसकी बर्फी बना करके, लेकिन ये बहुत तरह से बनता है, लेकिन जो आग में जला करके बनता है चोखा है, आलू बैगन टमाटर धनिया पत्ता हरा मिर्ची का चटनी चोखा फेमस है। और अब बात करते हैं हमारी दूसरी स्टाफ से कि उनको कैसा लग रहा है, वो लिट्टी का थोड़ा और बताएगी कि क्या हिस्ट्री है, तो बताइए मौसी। हमको तो आज लिट्टी बनाने में बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि ये हम लोग का ये साल का पहला पिकनिक है। पिकनिक हम लोग किस रूप में मना रहे हैं कि ये हमारी जो एंकर बनी हुई है उनका फेयरवेल पार्टी हम लोग एक तरह से कर रहे हैं, क्योंकि ये अभी हम लोग के साथ यहाँ रह रही थी, लेकिन अभी जॉब उसका लग गया है बाहर, तो इसलिए हम लोगों से दूर जा रही है जॉब के सिलसिले में। इसलिए मैं पता बीच में बोलने वाली थी मेरी शादी नहीं हो रही, शादी जॉब के लिए, इसलिए हम लोग इसका जॉब के लिए बाहर जा रही, तो हम लोग पार्टी कर रहे हैं और एक तरह से हम लोग इस साल का पिकनिक भी इसके साथ कर ले रहे हैं, ये मिस ना करें, आगे जो हम लोग पिकनिक करते हैं इसको ये बाहर जाके मिस ना करें, तो इसलिए पिकनिक के रूप में भी इसका ये पार्टी हो जा रहा है। इसका फेवरेट है, फेवरेट है, ये आगे में पका हुआ जो बहुत फेवरेट है, ये आगे में पका हुआ लिट्टी जो है वो उसका अलग ही टेस्ट रहता है। तो अब यहाँ का इंटरव्यू खत्म हो गया है, अब हम लोग बाहर जाके देखेंगे और गोलू भैया से बात करेंगे कि उनका क्या हुआ बाहर का, उन्होंने क्या क्या किया वो भी देख लेती हूँ मैं। ठीक है, बहुत अच्छा होता है ऐसा बोलते हैं, वो बायोडिग्रेडेबल गैस जो हम लोग से पड़े थे ना, तो ये वाला जो गैस है ये एक्चुअली हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है, और इससे जो कुछ भी पकाते हैं, कुछ भी खाते हैं गांव एंड ऑल में तो वैसे ही पकाते थे, तो बहुत अच्छा, इसका टेस्ट भी आपको बहुत अजीब मतलब अलग ऑथेंटिक लगता है, तो लेट्स सी अब हम लोग खा के देखते हैं। तो अब हम लोग आ गए हैं गोलू भैया के पास, क्योंकि वो बाहर का कुछ कुछ काम कर रहे थे, तो उनसे बाहर का पूछ लेते हैं कि उन्होंने बाहर का क्या क्या काम किया। तो हेलो, और श्रुति इस टाइम पे होस्ट कर रही है, मैं जला रहा था गोइटा को और पता नहीं लाइट कैसा आ रहा है, तो चलो पहले लाइट पे आ जाते हैं। ठीक है, ये फायरवर्क आप लोगों ने देख लिया है, और श्रुति इधर आ जाओ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा लाइट का इशू है, बट फिर भी मैं
कोशिश कर रहा हूँ कि फेस पे काफ़ी अच्छा लाइट आ जाए। मैं आज खुद होस्ट नहीं हूँ, आज होस्ट श्रुति कर रही है, और मेरे को खुद को ऐसा लग रहा है कि मेरा खुद का इंटरव्यू चल रहा है। क्यों श्रुति? हाँ, मैं एक्चुअली फेयरवेल है ना मेरा, तो मैं थोड़ा इंटरव्यू वाले मूड में हूँ। सबसे बात कर लेती हूँ ना, कैसा लग रहा है सबको। बिल्कुल। और भाई मेरा तो आज ऐसा है कि हमेशा होस्टिंग मैं करता हूँ, मैं दूसरे को पूछता हूँ, आज मुझे ही पूछा जा रहा है। आज इनका ब्लॉग में थोड़ा टेक ओवर हो गया है इसीलिए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो क्योंकि रिंग लाइट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, मे भी हो सकता है रिंग लाइट आ रहा हो आपके पास में ब्लॉग पे देखने को, तो इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, क्योंकि अपना लिट्टी का अभी आग लगा हुआ है। अच्छा, काफ़ी सुंदर सा आग लगा हुआ है, तो इस पर गर्मा गर्म लिट्टी बनाते हैं, देन घी लगेगा और घी वाला लिट्टी आप लोग के सामने प्रेजेंट होगा। मौसी, मतलब धुआं तो आँख में लगता है ना, हल्का आँख में लगता है, लेकिन मजा ही इसका अलग है, इसलिए हम लोग मजा ले लेके इसको सेके जा रहे हैं। धुआं लग भी रहा तो इसका परवाह नहीं कर रहे, मजा आ रहा। लिट्टी थोड़ा थोड़ा पक रहा है, तो हाँ, लिट्टी एक राउंड पक चुका है, अब उसको हम लोग पलटी कर करके, जहाँ नहीं पका हुआ है उसको पलटी कर करके हम लोग पका रहे हैं। फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने रिव्यू टेस्ट दे दिया, पीछे देख रहे हैं पानी बॉटल, जिसको भी थोड़ा सा झाल लगे करवा लगे वो पानी पी सकता है। और यहाँ पे चलिए श्रुति का भी रिव्यू हम लोग लेते हैं कि कैसा लगा है। क्या श्रुति, कैसा लगा ये? बहुत अच्छा। कैसा लग रहा है बाबू? अब हमारा ब्लॉग एंड हो रहा है, हमने सबने खा लिया है, बहुत मजा आया। आप लोग सबको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत आज का डिनर मजा आ गया ना? बहुत अच्छा। मैं ऐसे बोल रही हूँ, मैंने बनाया, इन लोगों ने बनाया, बहुत अच्छा बनाया। तो फिर गाइस, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग पे, फिर से कुछ नया इंटरेस्टिंग करते हुए। सो फिर से लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर। तो दोस्तों, ये ब्लॉग आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना तो बिल्कुल है, सभी ने बोल दिया है। और अभी तक अगर आप इस फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा है, उसे प्रेस करें और इस फैमिली का हिस्सा बन जाए। और इसी तरह के मजेदार वीडियोस देखने के लिए और ढेर सारा प्यार देने के लिए सपोर्ट करें, कमेंट करें, आपका एक कमेंट और लाइक। थैंक यू।